पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संयोग से आज उत्तम मंच में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया। इस दौरान कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता नगर निगम के महापौर और मंत्री फरहाद हकीम के साथ कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मेडिका ग्रुप के अध्यक्ष आलोक राय और निदेशक डॉक्टर सौरभ दत्ता द्वारा किया गया। आपको बता दें कि हर साल दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि बंगाल में कैंसर के 75% मामले तंबाकू के कारण आते हैं। इस दौरान एक घंटे चले कार्यक्रम में तंबाकू से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावों और इसके रोकथाम पर चर्चा की गई। वहीं मंत्री फरहाद हकीम ने समारोह में आए सभी मेहमानों और अस्पताल के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि तंबाकू दुनिया में कैंसर से बीमार होने और मृत्यु होने के कारणों में एक प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जांच की आधुनिक तकनीक का उपयोग कर इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत भारत में तंबाकू के विज्ञापन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कैंसर को समाप्त करने और शहर में कैंसर के खतरे को कम करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में केएमसी शहर के लोगों की सेवा करती रहेगी और कैंसर का यदि प्रारंभिक अवस्था में पता लगा लिया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने आह्वान किया कि हम सबको मिलकर कोलकाता को कैंसर मुक्त शहर बनाना होगा।